अरबटा 24 करोल बाग आ जाइयो। दिलीप, I love you। और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। क्या तुम इतनी सी कोशिश कर सकते हो कि तुम मेरा साथ निभाओ? प्यार क्या होता है उसका मतलब भी जानते हो तुम? मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मिली, मिली ये क्या कर रही हो? मिली, listen to me, don't do this, मिली, are you crazy? Just leave it, मिली, मिली, छोड़ो, leave it. इसे कहते हैं प्यार विशाल? इतना प्यार करते हो मुझसे तो फिर दो अपने प्यार का सबूत। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं हो गई हूँ पागल, और प्यार में पागल। से शादी क्यों की थी? क्योंकि वो भी शादीशुदा है, इसलिए मेरा भी शादीशुदा होना जरूरी था। दीदी और अभी भी ये बात जानते हैं। देखो विशाल, शादी हो गई है मेरी तुम्हारे साथ, इसीलिए एक पत्नी के नाते इस घर के लिए और तुम्हारे लिए मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं वो सब निभाऊंगी, तुम सबको खुश रखूंगी। लेकिन रही बात प्यार की, तो वो मैं तुमसे नहीं कर सकूंगी विशाल, नहीं छूने दे सकती मैं तुम्हें अपने आप को, क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूं। विशाल बोलो। सिमिदी, मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ? सिमिदी आप बस मुझसे मिलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। अरे विशाल बेटी, शांति ताई जी आई, तेरे को बुला रही हैं। हाँ मैं बस आता हूँ। ठीक, मैं आपको फोन करता हूँ, लेकिन आज हमें मिलना ही होगा, प्लीज। खालिक मेरी जल्दी आ, चल। अच्छा भाभी जी, ये गिफ्ट मिली के यहाँ पहुँचाने भी तो होंगे, अभी को कह रखा है ना? अभी क्यों, ये काम अनुज भी तो कर सकता है। पग फेरे के लिए मिली को लेने जाना है ना, उसने उसी के हाथों भेज देंगे। सॉरी, वो मैं आज देर से उठी ना। कोई बात नहीं बेटे, कल की थकावट होगी ना। नहीं लेकिन मुझे मुझे जल्दी उठना चाहिए था ना, हलवा जो बनाना है आज सुबह, मेरा बनाया हुआ प्रसाद लगेगा ना घर पे। देखा कितनी स्मार्ट बहू लाई हूँ मैं। मम्मा सूजी का हलवा बनाना है ना? हाँ बेटा वही बना ले, चल मैं जरा पूजा की तैयारी शुरू करूँ। सिमी, तुम इसी बात से परेशान हो ना कि अंकल जी ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? नहीं अभी, मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। पापा जी का गुस्सा तो बस कुछ ही दिन का है, वो तुम्हें बहुत जल्द माफ कर देंगे। और वैसे भी तुमसे ज्यादा दिन तक तो कोई नाराज रह ही नहीं सकता है ना। अगर आप पहले से ही जानती थी कि मिली किसी और से प्यार करती है तो आपने ये शादी क्यों होने दी? मिली मुझे उसे छूने तक नहीं देती, कहती है सिर्फ उसे छूने दूंगी जिससे मैं प्यार करती हूं, और उसके लिए इंतजार करेगी वो। हमारी शादी सिर्फ एक नाटक होगी जिसे वो निभाएगी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। से वो प्यार करती है वो भी शादीशुदा है, लेकिन आपको और अभी को तो इस बारे में बता ही था ना। मिली ने मुझे बताया था। सिमिदी बताओ ना, सिमिदी वो कौन है? प्लीज दीदी, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए। बता 24 करोल बाग आ जाइए।